हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर शुभ्स किचन। आज हम बनाने वाले हैं वेरी टेस्टी एंड हेल्दी पालक की पनीर। पालक बहुत ही हेल्दी है और उसमें काफ़ी सारा आयरन भी रहता है, उससे हम आज एक डिश बनाने वाले हैं। चलो तो इसकी तैयारी करते हैं। इसके लिए हमें लेना है 200 ग्राम पनीर और पालक लेना है, 3 प्याज लेने हैं और 3-4 हरी मिर्च लेनी है, थोड़े से लहसुन की कलियाँ लेनी है। सबसे पहले हम पालक को बारीक से काट लेंगे। बर्तन में थोड़ा सा पानी लेंगे और उसमें हल्का सा नमक डालेंगे। हमें पालक को बहुत देर तक नहीं पकाना है, हमें जस्ट उसको ब्लांच करना है। तब तक हम पनीर के छोटे से क्यूब बना लेंगे और प्याज और बाकी सामग्री को भी अच्छे से काट लेंगे। पनीर के हमें मीडियम साइज़ के ही चंक बनाने हैं। प्याज को हम बारीक चॉप कर लेंगे और लहसुन अदरक और मिर्ची को हम सिलबट्टे में अच्छे से दरदरा पीस लेंगे। पालक में काफ़ी न्यूट्रिशंस रहते हैं। पालक में स्पेशली फोलिक एसिड रहता है और उसका जो डार्क कलर है वो शरीर के लिए काफ़ी हेल्दी भी रहता है। और ये फोलिक एसिड का अच्छा और आयरन के अच्छा मात्रा होने के कारण गर्भिणी के लिए बहुत ही उपयुक्त आहार में शामिल कर सकते हैं। रेस्टोरेंट का पालक का हरा कलर क्यों आता है उसका एक सीक्रेट है। वो क्या करते हैं, पालक को गर्म पानी में डालते हैं और डालते ही जल्दी निकाल लेते हैं, उसको ओवर कुक नहीं होने देते। इसके लिए वो आइस क्यूब को रेडी रखते हैं। मैंने भी कुछ आइस क्यूब लिए हैं, एक बर्तन में हम उसे रेडी रखेंगे। जैसे ही हम गर्म पानी में पालक डालेंगे और थोड़ी देर से निकाल लेंगे, उसमें बर्फ़ के टुकड़े डाल देंगे। उससे क्या होगा, वो ओवर कुक नहीं होंगे और उसका ग्रीन कलर रिटेन हो जाएगा। हमें पालक को गर्म पानी में हार्डली 1 मिनट तक ही रखना है, थोड़ा सा देर ढक के रख देंगे और जल्दी से निकाल भी लेना है। तुरंत ही हम उसमें आइस क्यूब डाल देंगे और फिर से ढक लेंगे। इससे टेम्परेचर कम हो जाएगा और ओवर कुकिंग से बच जाएंगे और उसका काला कलर नहीं होगा। आपने देखा होगा कि पालक कभी कभी ओवर कुक हो जाता है तो हरा ना रहते हुए वो काला बन जाता है, वही है स्पेशल ट्रिक। अभी हम इसे एक स्ट्रेनर से छान लेंगे और पानी को अलग कर देंगे। जो भी पानी निकलेगा उसे हमें फेंकना नहीं है, वो हम थोड़ा प्यूरी करते वक्त डालेंगे और बचा हुआ पानी जो है हमें उसका जो ग्रेवी बनाएंगे उसमें थोड़ा डाल सकते हैं। और भी जो पानी बच जाएगा उस पानी को हम पराठे में या सब्जियाँ बनाने में, दाल में बनाने में के लिए डाल सकते हैं। चलो तो हम इसकी प्यूरी बना लेंगे। एक कढ़ाई में थोड़ा तेल डालेंगे, करीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून, और थोड़ा सा घी भी डालेंगे, इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। जैसे ही तेल और घी गर्म हो जाएगा, 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा चटकने के बाद 2 तेज़पत्ता डालेंगे और जो छोटी हरी इलायची है उसको खोल के डालेंगे, उससे उसका एक प्रोमिनेंट फ्लेवर आएगा, वो काफ़ी अच्छा लगता है। 2-3 काली मिर्च भी डाल देंगे। जैसे मसाले चटक जाएंगे फिर प्याज और लहसुन अदरक और हरी मिर्च की जो पेस्ट डाली है वो भी डाल देंगे और उसे अच्छे से चलाते रहेंगे। जैसे ही प्याज थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा तब हम उसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला से सब्जी का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। अब हम इसमें पनीर के क्यूब्स डाल देंगे और मंदा आंच पे इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम पनीर को चलाते रहेंगे। हमें उसे लाल नहीं करना या कड़क नहीं होने देना है, पनीर को सॉफ्ट ही बनाए रखना है, लेकिन फिर भी गोल्डन कलर आने से उसका स्वाद बहुत अच्छा लगेगा। जैसे ही पनीर गोल्डन हो जाएगा हम उसमें हमारी प्यूरी डाल देंगे और हल्का सा पानी भी डाल देंगे और उसे अच्छे से पकने देंगे।
पालक ग्रेवी के लिए हमें बहुत सारा पानी नहीं डालना है, हम एक जो है मीडियम साइज मीडियम थिन ग्रेवी रखेंगे, बहुत पतली ग्रेवी अच्छी नहीं लगती है। अगर आपको पसंद है तो आप ऊपर से फिर से लहसुन का तड़का भी उसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल ही रखा है, आप चाहे तो वैसा कर सकते। इसमें हम हमारे स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ी सी चीनी भी डालेंगे। और को ग्रेवी को अच्छे से उबाल आने तक पकने देंगे। जैसे जैसे उसमें उबाल आएगा एक फोम भी आ जाएगा। और दूसरी बात है कि जो भी मसाले डाले हैं हमने वो सभी पनीर के अंदर एब्सॉर्ब हो जाएंगे और पनीर का भी बहुत अच्छा स्वाद आएगा। एक चम्मच हम गरम मसाला भी डालेंगे। इस स्टेज पर आप एक चम्मच कसूरी मेथी हाथ पे क्रश करके डाल दीजिए, उससे स्वाद और भी अच्छा आता है। चलो हमारी सब्जी बहुत अच्छे से तैयार हुई है, अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।